मेरा जोरहाट जो कि आसाम में है वहाँ से स्टार्ट हुई और मेरा संकल्प था कि मैं प्रयागराज तक साइकिल पे आऊँ और एक लोगों को मैसेज दूँ रोड सेफ्टी का और साथ ही साथ सेहत के लिए भी मैसेज दूँ कि आप अगर अपने लिए रोज़ आना एक घंटे समय निकाल सकते हैं सेहत के लिए तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साइकिलिंग के साथ अगर आप कुछ भी खेल नहीं खेल रहे हैं तो साइकिलिंग करेंगे तो आप एक घंटे की साइकिलिंग करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो किस तरह से साइकिल का आपका जो यात्रा थी कब चालू हुई और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये मैंने यात्रा स्टार्ट किया वहाँ जोरहाट से 5 बजे सुबह। मेरा पहला हॉल्ट तेजपुर में था, दूसरा हॉल्ट प्लेस कॉल्ड रंगिया, थर्ड हॉल्ट वॉज हासीमारा, फोर्थ वॉज बागडोगरा, देन बागडोगरा के बाद सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आते वहाँ पर रुका, सुपौल के बाद फिर आरा के बाद वाराणसी अंदर दिस प्लेस। ये करीब 1600 किलोमीटर होना चाहिए, आई एम नॉट कैलकुलेटेड। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है राइट टू रोड सेफ्टी, राइट टू हेल्थ। मेरा जितने भी लोग यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जो रोड पे चलते हैं पूरी सेंसिबिलिटी के साथ चले रोड पे किसी भी तरह का एग्रेशन ना दिखाएं और छोटी छोटी बारीकियों को भी अपने जीवन में ले आए ताकि रोड पे सेफ्टी हमेशा बनी रहे। सांसद जी बता दीजिए, होते हुए आपने साइकिलिंग को चुना मैसेज के लिए, ऐसा क्या? साइकिलिंग आज के टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रांग स्पोर्ट्स है और बड़े बड़े लोग साइकिलिंग चूज कर रहे हैं। मना कर दिया उनको थोड़ा, और साइकिलिंग करने से मैं समझता हूँ कि सबको पिकअप करना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हूँ और मैं अभी पोस्टिंग पे आ रहा हूँ जोरहाट से आसाम प्रयागराज। देखिए विंग कमांडर दुबे को मैं बहुत बधाई दूंगी और उनको आशीर्वाद देती हूँ कि 1540 किलोमीटर का सफ़र करके जोरहाट से प्रयागराज आना और पूरे रास्ते लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये रोड सेफ्टी में कैसे सड़क दुर्घटना से बचा जाए और कैसे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है, और साथ ही साथ अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार के यंत्रों को बाइसिकलिंग करना या इस पे चलने का प्रयास करें तो अपना सेहत भी अच्छी रहती है। तो अपना व्यक्तिगत सेहत है, पर्यावरण है, दुर्घटना है, इसका संदेश लेकर ये चले हैं, युवा हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संदेश लेकर चले हैं उससे हज़ारों लोग प्रेरित हुए होंगे और ऐसे लोगों को ही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत चिन्हित करते हैं, पहचानते हैं। ये ऐसी सेवा में है, इनको हर प्रकार की सुविधा है, उस सुविधा में इनको इस प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। पर समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझ कर और ये देखते हुए कि भारतवर्ष में ये समस्याएँ कितनी जटिल हैं, स्वास्थ्य की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, अथवा ये सड़क दुर्घटना की समस्या हो, तो इन सब को देखते हुए उन्होंने ये जो साइकिलिंग करी और एक साइकिल के कल्चर को, संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया। तो अभी आप देखिए पराली जलने का समय आ रहा है, प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ेगा, दिल्ली जैसी जगह में 2 करोड़ की अगर आबादी है तो 1 करोड़ गाड़ियाँ हैं। तो इन बातों से जब आजकल लोग सुविधाजनक यातायात में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, उससे जो प्रदूषण बढ़ता है उससे भी इसका मुकाबला किया जा सकता है। तो ऐसे युवा लगातार युवाओं को, राष्ट्र को संदेश दें, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी जब मुझे पता चला तो कि ये प्रयागराज आ रहे हैं, तो मैं कि सांसद हूँ, मैं इनका स्वागत करने आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इनका यह कृत्य बहुतों को जो है प्रेरित करेगा। थैंक यू।